तो राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, बढ़िया होने चाहिए मेरे सारे भाई। सबसे पहले तो नीचे राम राम कमेंट कर दो, क्योंकि जब भी आप लोग कमेंट करते हो एकदम दिल से कनेक्टेड फील होता है, सारे भाई जैसे लगते हैं। एंड अगर चैनल पर नए आए हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब मेरे को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता है। राम राम जी, कैसे हो सारे? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे सारे मेरे भाई, बढ़िया होने चाहिए। सबसे जो राम राम लिखते हो, कि जब जब राम राम लिखते हो बहुत ही अच्छा लगता है, दिल से कनेक्टेड फील होता है। हुंडई वर्ना 2023-21 को लॉन्च होने वाली है एंड भैया जो गाड़ी है ना उसकी जोरों शोरों से सभी लोग वेट कर रहे हैं एंड मैं भी उनमें से हूँ जो वेट करने वाले हैं। अच्छा, आज की वीडियो के बाद ना एक चीज़ तो 100% श्योर ये हो चुकी है कि भैया जो गाड़ी है ना, इसके जितने भी हेटर्स थे अब वो इससे नफरत करना बंद कर देंगे। मैंने कल परसों में एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बोला था कि गाड़ी में इतना मज़ा नहीं आ रहा, बट अब एक्चुअल में देखने के बाद लग रहा है कि हुंडई ने कुछ अलग ही लेवल का सोच रखा था और ज़बरदस्त प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। तो देखिए, हुंडई वर्ना 2023 जो है भैया, वो ना जितनी भी दूसरी गाड़ियां हैं उनसे इतने ज़्यादा फीचर्स लेके आ रही है। सेल्स तो गिराने वाली है, बट एक चीज़ है, किसी प्रोडक्ट की कदर करनी चाहिए। अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो हुंडई वर्ना 2023 सीरियसली बहुत ज़्यादा अच्छा है। अच्छा गाइस, दूसरी चीज़ एक और पूछना चाहूँगा। आज तो जो है ये मेरे दोस्त भाइयों ने जो ये वीडियोज़ शेयर करी हैं उनसे, मैं पर्सनली सोच रहा हूँ कि हुंडई वर्ना 2023 को जाकर शूट करूँ। अब जो नियरेस्ट शोरूम मेरे को पता चला है जहाँ पे ये गाड़ी है, वो है यहाँ से 250 या 300 किलोमीटर, यानी कि 7 घंटे का जो रास्ता है वो लगेगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 7 घंटे मैं ड्राइव करके जाऊँ या नहीं जाऊँ। आप लोग देखना चाहते हो, नहीं देखना चाहते हो, कंटेंट जो भी मुझे लिख के बताना, बाकी आगे की चीज़ हम देखें। और इनकेस अगर आपके पास भी कोई क्लिप हो या आपको दिखे तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी और जीमेल पर भी। तो आइएगा, इस वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई फाइनली आ गई है हमारे सामने हुंडई वर्ना 2023 ब्लैक कलर में, ये गाड़ी आप लोगों को दिखने लग रही है। सबसे पहले आदि जोन भाई का धन्यवाद, उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप लोग जाके देख सकते हैं। अच्छा गाइस, हुंडई ने ना अपनी जितनी भी रीसेंट गाड़ियां हैं उन सब में फ्रंट वाली डिज़ाइन प्रोफाइल तो अपना ही ली है। लेफ्ट में आप लोग देख सकते हैं एक और हुंडई की गाड़ी खड़ी है एंड उससे काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। खैर, फ्रंट में हम बात करें तो यहाँ पे फॉग लैंप्स जो है मिसिंग है। आई डोंट नो, मैंने कुछ मॉडल्स में जो है फॉग लैंप्स भी देखे, बट इसमें मिसिंग है। DRL यहाँ पे आपको दिख रही है, कुछ लोगों को DRL ये पसंद आ रही है, कुछ को नहीं आ रही, बट बाकी एक चीज़ मैं बताऊँ, हाईवे पे आएगी ना ये गाड़ी, आप लोगों को अच्छी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। साइड प्रोफाइल में अगर हम लोग चले यहाँ से देख सकते हैं अलॉय व्हील्स लगने लग रहे हैं। अच्छा, ब्लैक कलर में जो गाड़ी है ना वो अलग ही हिट करती है। हुंडई वर्ना 2023 के साथ भी सेम वैसा ही है, ब्लैक कलर में ये काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगने लग रही है देखने में। फ्रंट ग्रिल से आप लोगों को अंदाजा लग रहा होगा, फ्रंट ग्रिल जो डिज़ाइन प्रोफाइल है ना, आपकी बात थोड़ी सी वाइड इसलिए रखी गई है, अगर आपने जितने भी लग्जरी ब्रांड्स देखे होंगे उन सब में कुछ इसी टाइप का डिज़ाइन आता है। साइड में आप लोग देख रहे होंगे दो दो कैमरे दिए गए हैं, तो ये 360 के कैमरा के लिए इंस्टॉलेशन करी गई है। साथ ही साथ इसमें ADS लेवल 2 भी आने वाला है, यानी कि ADAS लेवल 2 आएगा, तो उन सब के मद्देनजर रखते हुए इस गाड़ी को काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित बनाया गया है। अच्छा गाइस, फ्रंट प्रोफाइल आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताना। रियर प्रोफाइल की तरफ आ जाए तो ये केवल मेरी नहीं, मेरे जैसे बहुत से भाइयों की फेवरेट रहने वाली है। इधर आपको दिख रहा होगा LED कनेक्टिंग टेल लैंप्स जो है आपको मिलने वाले हैं, हालांकि ये ब्लैक कलर नहीं है, ये थोड़ा सा डिफरेंट कलर है, बट इस कलर में भी जो गाड़ी है वो काफ़ी ज़्यादा जच रही है। 1.5 लीटर टर्बो की जो है आप लोगों के बीच बैजिंग मिल जाती है। 1500 सीसी टर्बो जो इंजन रहने वाला है ना, ये इतना ज़्यादा ज़बरदस्त होगा कि आप लोगों को डीजल जो इंजन है उसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं महसूस होगी। नीचे देख सकते हैं रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, डिफ्यूजर टाइप जो है पीछे ग्रिल भी दी गई है। तो गाइस, कुल मिला के रियर जो प्रोफाइल है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी बनाई गई है गाड़ी की। शार्क फिन एंटीना जो है वो स्टॉक रखा गया है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं रियर वाला जो मिरर है वो काफ़ी डिफरेंट है। इनोवेशंस अच्छी हैं और कुल मिला के अब जितने भी हम लोग इस गाड़ी से नफरत कर रहे थे वो अब नफरत करने वाला मेरे हिसाब से जैसा सीन कोई बनता नहीं है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में। और रियर से तो 100 out of 100 दूंगा, फ्रंट को मेरे को थोड़ा सा अपनाने में टाइम लगेगा, आप लोग कैसी लिख के बताना। चलिए चलते हैं वाइट कलर की तरफ, क्योंकि वाइट कलर एक ऐसा कलर रहने वाला है जो बहुत ही ज़्यादा डिमांड में आएगा। तो यहाँ से वाइट कलर में भी देख सकते हैं, सनरूफ जो है वाइट कलर में सबसे ज़्यादा विजिबल रहती है, तो इधर से जो है वाइट कलर में साइड प्रोफाइल भी आप लोगों को दिख रही होगी। साथ ही साथ इस गाड़ी में जो अलॉय व्हील्स भी दिए गए ब्लैक कलर के, हालांकि वो थोड़े से जो है रिम टाइप लग रहे हैं, बट ठीक है, अगेन सब्जेक्टिव होती है चीज़ें। अब वाइट ब्लैक में आप लोगों को कौन सी अच्छी लगी वो मुझे लिख के बताना। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस, हम लोगों ने आपसे बहुत दिन पहले ये चीज़ एक बताई थी कि इस गाड़ी में जो है आप लोगों को नए नए फीचर्स जैसे कि एम्बिएंट लाइट और ये सारी मिलेंगी, तो हाँ जी, एम्बिएंट लाइट भी जो है इस गाड़ी में दी जाएगी। कलर ऑप्शंस की बात करूँ तो यहाँ पे हम लोगों ने वाइट कलर देख लिया है, उसके बाद एक ग्रे कलर भी देख लिया है, ब्लैक कलर भी देख लिया, तो 3 कलर्स जो हैं ये हम लोगों के सामने आ चुके हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट और कलर्स भी जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिए जाएंगे धीरे धीरे, बट ये कुछ कलर्स थे जो पर्सनल फेवरेट थे मेरे और मेरे को आपको दिखाने में अच्छा भी लगा। यहाँ से रियर देख सकते हैं, इनकेस अगर आपको SX मॉडल का रियर देखना हो तो SX मॉडल का रियर दिखने लग रहा है आप लोगों को।
बेस एंड वेरिएंट हो, टॉप एंड वेरिएंट हो, हुंडई ने इतनी कोई जो है यहाँ पे खास डिफरेंशिएट रखा नहीं है, डिफरेंस नहीं रखा कि भाई हाँ सब लोगों को हम जो है सेम डिज़ाइन प्रोफाइल दे देते हैं। और ये आजकल मेरे को कंपनीज में लग भी ठीक रहा है कि सेम डिज़ाइन प्रोफाइल दी जाती है तो अच्छा लगता है। यहाँ से कर्व्स देख सकते हैं आप लोग, क्या ज़बरदस्त कर्व्स बनाए गए गाड़ी में, तो ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। पिछली बार मैंने कहा था कि कर्व्स से थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये भी कि डेंट लग जाए निकालना मुश्किल होगा, बट देन फिर हमेशा ऐसा थोड़ी ना होता है कि हम लोग एक्सीडेंट सोच के ही गाड़ी को चलाएंगे। तो कलर्स जो हैं तीन दिए जाएंगे इसमें, अलॉय व्हील का डिज़ाइन आप लोग देख सकते हैं पास से। अगर हम फ्यूल टंकी की बात करें तो लेफ्ट साइड से जो है भरी जाएगी ये, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा यार आज मेरा ना दिल खुश हो गया, मेरा क्या बहुत से लोगों का होगा। अच्छा एक छोटा सा डाउट है, अगर आप लोगों के पास 10 12 या 27 लाख या इतने का बजट हो, 17 लाख का बजट हो, और आपके पास तीन या चार ऑप्शंस हो जिसमें होंडा सिटी, फॉक्सवैगन वर्चस, स्कॉडा स्लाविया एंड अपनी हुंडई वर्ना दी जाए, तो कौन सी गाड़ी लेंगे मेरे को बताइएगा लिख के। यहाँ पर देख सकते हैं रेड और ब्लैक का जो है अंदर वर्क करा गया है, और साथ ही साथ अपना जो अगर हम लोग बात करें हैंड ब्रेक लीवर की तो वो भी हटा दिया गया है, तो इंटीरियर में भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब जो है गाड़ी यहाँ से लगने लग रही है। खैर इंटीरियर्स की बहुत दिन पहले फोटो आ गई थी एंड हम लोगों ने आपको दिखा भी दिया था, तो इसमें जो है आपको थोड़े से बेसिक टाइप के इंटीरियर सबके बारे देखने को मिलेंगे। हालांकि कोई किसी को बेसिक लग रहे हैं, किसी को जो है वो अच्छे लग रहे हैं। मेरे से पूछा जाए तो ऑल इन वन, अगर आज अब हम बात करें कि एक्चुअल में अब टीजर्स के अलावा भी जो गाड़ी हमको दिखी है तो इन सब को मद्देनजर रखते हुए मैं तो बोलूंगा कि हाँ हुंडई ने कुछ अच्छा करा है एंड इस गाड़ी का भी फैन बेस एक अलग रहने वाला है। और सड़कों पर आने के बाद ना हम लोग इसको डाइजेस्ट कर लेंगे, या डाइजेस्ट से मेरा मतलब ये है अपना लेंगे, क्योंकि अभी जो है थोड़ी बहुत दिक्कत इससे हो रही है। कैसे इसके अलावा मैंने जितनी भी सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी, गाड़ी जो है 21 मार्च को लॉन्च होने जा रही है, लाइव इवेंट पे हम लोग मिलेंगे वहाँ पे, मतलब मैं लाइव इवेंट जो है करूँगा यहाँ से, तो आप लोग भी देख सकते हैं। अच्छा वो छोटा सा मेरा डाउट था कि आप लोगों को रिव्यू देखना ही नहीं है, वो मुझे लिख के बताइएगा। चलते चलते जितने भी लोगों को हुंडई वरना पसंद नहीं आई थी, या फिर जिन जिन मेरे भाइयों ने बोला था कि भैया ये क्या बना दिया, आप बताइएगा अब ये गाड़ी देखने के बाद आप लोगों को कैसी लग रही है। अगर और कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, आपके पास भी कोई क्लिप हो या अगर किसी भी चीज़ रिलेटेड हो तो आप मेरे से जीमेल पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो भाई देखिए इस वीडियो में तो इतना ही था, ये थे हमारी वरना 2023 के कुछ एक्सक्लूसिव लुक्स। चलते चलते इतना बोलना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को पहले जज मत करिए, एक बार उसको मार्केट में आ जान दीजिए उसके बाद ही जज करिएगा, बिकॉज हुंडई वरना के साथ भी ऐसा ही। और इस टाइम तो मैं भी शायद गलत था कि टीजर्स में जो है मुझे इतनी समझ में नहीं आती, बट अब जब चूंकि सामने जो है फोटो वोटो आ चुके हैं उसके बाद तो भाई इस गाड़ी का मतलब नज़रिया ही बदल गया मेरा। तो गाइस जैसे कि आपने देखो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ों के साथ आ रही है। अच्छा एक चीज़ आप लोगों को मैं ये बोलूँगा कि कई बार आप लोग सोचते हैं ना कि मैं आप लोगों को पहले क्या बताता हूँ, तो एम्बिएंट लाइट वाली चीज़ जो है ना किसी ने नहीं बताई थी गाड़ी में आने वाली है, एंड हम लोगों ने लाइक हफ्ते डेढ़ हफ्ते पहले ही बता दिया कि इसमें एम्बिएंट लाइट जैसी कोई चीज़ जो है वो नज़र आ रही है साफ साफ। तो बस ये है कि लीक्स वीक्स लाना मुश्किल भी होता है, बट चीज़ ये है ना कि जब रिसर्च करके आप लोग किसी भी चीज़ के लीक्स लेके आते हैं तो उस चीज़ का मज़ा ही अलग होता है कि एक्चुअल में वो आ रही है नहीं आ रही है। खैर गाइस आज की वीडियो तो इतना ही था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, पसंद आता लाइक शेयर सब्सक्राइब करें बिना मत जाएगा। मिलेंगे हम लोग आपसे ऐसे वीडियो के, बाय और धन्यवाद। और हाँ बताइएगा कि आप लोगों को जो है लाइव क्लिप देखनी है नहीं देखनी है, लाइव वीडियो का रिव्यू देखना है। दिल्ली गुड़गांव में पता नहीं यार शोरूम्स में आ नहीं रही, मैंने पूछा है तो वो लोग बोल रहे सर अभी तक तो आई नहीं है, बट हाँ जल्दी से निकालना है, तो वही चीज़ है। तो बताइएगा जैसे वीडियो।